Hi friends, welcome back to another new lesson and we are starting a new series words meaning. इस सीरीज में हम मुख्तलिफ वर्ड्स के मीनिंग देखेंगे और साथ उनकी डेफिनेशन. आज हम जो वर्ड डिस्कस कर रही हैं वर्बल. वर्बल का मतलब क्या होता है और इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे. रिलेटिंग टू वर्ड्स और स्पीच, यानी कि वर्बल जो है वो हमारे वर्ड्स और स्पीच से रिलेटेड होता है. जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करने के लिए अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं इसको हम वर्बल यानी वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. स्पोकन देन रिटन, ये जो वर्बल वर्ड होता है, वर्बल यानी ये बोलने से रिलेटेड होता है, ये रिटन नहीं बल्कि स्पोकन होता है. रिलेटिंग टू वर्ड्स, वर्ड्स के साथ रिलेट होता है. एबल टू यूज़ वर्ड्स एंड टॉक, यानी कि वर्बल एबिलिटी हम उसको कहेंगे जब हम मुख्तलिफ अल्फाज को इस्तेमाल करने की काबिलियत रखते हों और इससे किसी के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हों, इसको हम वर्बल कहते हैं. यानी कि जब भी हम किसी से कोई भी बात करेंगे उसमें हम अपने अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. आई होप आपको वर्बल का ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि वर्बल क्या होता है, यानी कि ज़ुबानी. जब भी हम किसी से ज़ुबानी बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं और वो हम जो भी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं यानी किसी के साथ कम्युनिकेट करने का, इसको हम वर्बल यानी वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. अपने अल्फाज के ज़रिए किसी के साथ कम्युनिकेट करना ही वर्बल कहलाता है.